गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि है हीरा मंडी का। आजकल काफ़ी लुक वायरल हो रहा है तो मैं सोची क्यों ना मैं भी एक बार लुक ट्राई करूँ। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से तरह से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ 24 का गोल्ड प्राइमर, जो कि ये प्राइमर जो है कुछ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और ड्राइनेस को कम करते हैं। प्राइमर आपके मेकअप का फाउंडेशंस बनाता है जिससे मेकअप ढेर सारा दिन तक टिका रहता है और चिपकता नहीं है। तो गाइज, यहाँ पे अब मैं फाउंडेशंस लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फिटमी का फाउंडेशंस लगा रही हूँ जो कि एक पॉपुलर चॉइस है क्योंकि इसका लाइट वेट फार्मूला स्किन को स्मूथ और नेचुरल फिनिश देता है। इसका कवरेज भी डिसेंट होता है जो कि लाइट से मीडियम तक हो सकता है, इसलिए आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसा आपको फाउंडेशंस यूज करना है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट के तरीके से फाउंडेशंस लगाया। ये एक अच्छा तरीका है ताकि आपका एक्सेस फाउंडेशंस का इस्तेमाल ना हो, ताकि आपका नेचुरल लुक अच्छा लगे। आपको भी ध्यान रखना है कि आपका जो फाउंडेशन है वो इवनली ब्लेंड करने वक्त सर्कुलर मोशंस का इस्तेमाल करें ताकि स्किन पर यूनिफॉर्म कवरेज हो। डॉट डॉट टेक्निक से फाउंडेशंस लगाने से आपका कंट्रोल मिलता है क्योंकि फाउंडेशंस इस्तेमाल करते हैं और ये भी एश्योर करता है कि आप एक्सेस फाउंडेशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप फाउंडेशंस को इवनली ब्लेंड कर सकते हैं और नेचुरल लुक हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि फाउंडेशंस को अच्छे से ब्लेंड करें ताकि कोई हर्श लाइन्स ना बने। ओवरऑल ये एक अच्छा तरीका है फाउंडेशंस लगाने का, खासकर अगर आप लाइट टू मीडियम कवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। गाइज, अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ प्रो का कंसीलर। प्रो कंसीलर का इस्तेमाल डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस और इम्परफेक्शंस को छुपाने के लिए किया जाता है। आप इस फाउंडेशन के बाद और फाउंडेशन से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस एंड द कवरेज योर नीड। कि आपको प्रो कंसीलर का इस तरह से आप लगा के अपनी आंखों को डार्क सर्कल से बचा सकते हैं, इस तरह से आप कवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का एयरब्रश कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। ये कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही अच्छा है, इस्तेमाल करने से आपका जो मेकअप है ना स्मूथ और फ्लॉलेस फिनिश देता है। इसका लाइट वेट भी बहुत अच्छा है, ये स्किन पर आसानी से ब्लेंड होता है और स्किन को मैटी लुक देता है जिससे आपका मेकअप ढेर सारा दिन तक फ्रेश रहता है। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो लिया है। यहाँ पे मैं 3-4 कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो कि एक वाइब्रेंट और डायनामिक लुक क्रिएट करता है। अलग अलग शेड्स को मैंने मिक्स करके ब्लेंड करके अच्छे से अपने आईज पे लगाऊंगी ताकि जो है उसका डेफिनेशन अच्छा आए। कुछ मैंने लाइटेस्ट कलर भी लगाया ताकि इनर कॉर्नर और ब्रो बोन पर ब्राइटनेस और हाईलाइट क्रिएट करेगा, ताकि मीडियम शेड्स आईलिड पर एक वाइब्रेंट पॉप ऑफ कलर दे और डार्कर शेड्स क्रीज में डेप्थ और डेफिनेशन ऐड करके मैं लगाऊंगी। ये सारे टेक्निक्स से आपके आईज को भी ब्यूटीफुल और कैप्टिवेटिंग बनाता है। इस तरह से क्रिएटिविटी से एक यूनिक और अट्रैक्टिव लुक मैं बनाऊंगी। गाइज, यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो लगा रही हूँ, आपको मैंने बताया ही। इससे क्या होता है, आंखों को बहुत ही सारे पहले तो वो आपकी आंखों को और भी बड़ा और अतरंगी दिखाता है। हर रंग की आई शेडो आपकी आंखों की रंगत को इन्हेंस करता है और उन्हें और भी सुंदर बनाता है। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो लगाने से क्या हुआ, मेरा आंखों का कॉन्ट्रिंग भी बेहतर होता है जो आपके चेहरे को एक डिफाइंड और अट्रैक्टिव लुक देता है। ओवरऑल जब आप स्विस ब्यूटी का आई शेडो लगाते हैं ना तो आपका ओवरऑल मेकअप लुक और भी अट्रैक्टिव और ग्लैमरस हो जाता है। गाइज, यहाँ पे मैंने हीरा मंडी लुक पे आई मेकअप किया है ताकि और भी खूबसूरत बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे तरह के आई शेडो यूज किए हैं जो आपकी आंखों को और भी अतरंगी और बहुत ही गहरे ढंग से अच्छा लगे। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे कलर को मिक्स करके भी उसमें लगाया है। हर रंग की आई शेडो के अलग अलग तरीके से आंखों को हाईलाइट करता है और उन्हें और भी अच्छा बनाता है। तो इसलिए मैंने डार्क से लाइट से आई शेडो का उपयोग किया है ताकि अपनी आंखों को एक और भी मजेदार और बहुत ही अच्छा डिफरेंट लुक जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर पर व्हाइट कलर का आई शेडो भी लगाया है ताकि आपका और भी इंटरेस्टिंग डायमेंशंस अपने आई मेकअप में ऐड मैंने किया है। ये टेक्निक से क्या होता है ना कि आपकी जो आंखें हैं और भी ब्राइट और वाइट दिखने में हेल्प करता है। इनर कॉर्नर पर व्हाइट आई शेडो लगाने से आंखें और भी अच्छा लगता है और आपको लुक और भी वाइब्रेंट बन जाता है। गाइज, तो थोड़ा मैंने आँख के नीचे भी हल्का सा लगाया है आई शेडो ताकि आपकी जो आँखें हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। गाइज, तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। आपकी जो आंखें हैं ना आईलाइनर लगाने से और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का आईलाइनर हमेशा हाई क्वालिटी जो होते हैं और उनका एप्लीकेशन भी स्मूथ होता है जिससे आपका लुक और भी अट्रैक्टिव और डिफाइंड दिखता है। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादातर लैक्मे का ही आईलाइनर यूज करती हूँ।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विंग लाइन किया है ताकि आपकी जो आंखें हैं ना बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लुक दे। तो इस तरह से आईलाइनर लगा के आप भी अपनी आंखों को विंग्ड लाइनर बना के इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और बड़ी सी आंखें लग रही है मेरी। सो गाइज, तो यहाँ पे मैं शुगर पॉपअप का काजल यूज़ करूँगी अपनी आईज़ पे। ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और ये शुगर पॉपअप का काजल कैसा, मतलब बहुत ही स्मज प्रूफ है और ये पिगमेंटेड भी है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं, तो ये काजल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर काजल इसी काजल को मैं यूज़ करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आईब्रो को अच्छी तरह से फील कर लेती हूँ ताकि अब मेरा जो है आईब्रो अच्छा सा शेप दे दे और अच्छा लगे देखने में चेहरा, ताकि मैं और भी अच्छे से लुक क्रिएट कर सकूं। सो गाइज, तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ही फेस नोज कॉन्ट्रिंग करूँगी और चिक्स पे भी करूँगी। इस तरह से क्या होता है, फेस का लुक इन्हेंस होता है। नोज़ कॉन्ट्रिंग और चिक्स कॉन्ट्रिंग काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक्स होते हैं, जिससे आपकी जो है नोज़ कॉन्ट्रैक्ट करके और भी क्वाट्रिंग करके अपने फेस का शेप आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। और हाँ, मेरी जो वीडियोज़ है आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने नोज़ कॉन्ट्रिंग, चिक्स कॉन्ट्रिंग करके अपने लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। सो गाइज, तो अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्लश यूज करूँगी। ब्लश का इस्तेमाल करने से आपकी चिक्स को इन्हेंस करने का और फेस को ग्लो करने के लिए होता है, जो कि आपके ब्लश शेड्स यूज़ करके आप अपने चिक्स को, कॉर्नर को अच्छी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रश से अच्छी तरह से यूज किया है, तो ये काफ़ी अच्छा सा मुझे फील होता है इसको लगाने से। ये पिगमेंशंस बहुत ही दूर होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। तो यहाँ पर अब मैं अच्छी तरह से हाइलाइटर यूज़ करूँगी, जो कि लास्ट स्टेप होता है फेस को और भी अच्छा ग्लो करने के लिए। हाइलाइटर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही यूज किया है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने सारा प्रोडक्ट आज स्विस ब्यूटी का ही यूज किया है। तो फिर मैंने उसको अच्छे से ब्रश से अच्छे से मैंने अपने फेस को मिक्स करके, और फिर गाइज यहाँ पे मेरा मस्करा बाकी ही रह गया, तो फिर मैंने मस्करा भी लगाया और भी अच्छी आंखें दिख सके। तो इस तरह से हीरा मंडी लुक मैंने आज का क्रिएट किया है। तो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिप लाइनर लगाया। लिप लाइनर लगाने से क्या होता है, आपकी जो लिप का है ना लुक क्रिएट होता है और आपकी जो लिप है बड़ी दिखती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो फिर मैंने डार्क शेड्स का लिपस्टिक लगाया ताकि आपकी हीरा मंडी लुक को और भी अच्छे से मैं क्रिएट कर सकूं। तो कैसा लगा मेरा ये लुक, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।